नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। जब कनाडा ट्रैवल को लेकर राइट नाउ सभी को पता है कि एयर कनाडा ने पहले अनाउंसमेंट की कि वो बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया एक और महीने के लिए। और जो ट्रैवल ऐप सबको पता ही है कि ट्रैवल जो जुलाई एंड तक स्टार्ट हो जाएगा या अगस्त फर्स्ट वीक में डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे कुछ वो बच्चे हैं जिनके या तो मेडिकल एक्सपायर होने वाले हैं, वो पहले ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले ट्रैवल कर सकते हैं इनडायरेक्ट रूट से। उसकी कॉस्ट क्या रहती है, कौन कौन से वे होते हैं, क्या अभी राइट कनाडा ट्रैवल पॉसिबल है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिलेगा। सो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपने स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हमारी टीम को 9041090410 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो जब फ्लाइट को लेके चैलेंज है बच्चों के पास, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, आप में से काफी को पता होगा, ऐसा नहीं है कि कनाडा में बच्चे ट्रैवल नहीं करें, बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। प्रेजेंटली आप देखोगे तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस पड़ी है जिन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने वीडियो डाली। तो कहने का मतलब है बैन के दौरान भी इनडायरेक्ट रूट से बच्चे रेगुलर बेस पे जा रहे हैं। हर एक प्लेन में जो अगर आगे इनडायरेक्ट रूट से भी जा रहा है, दिल्ली से भी जा रहा है, तो डेली 100-200 बच्चा तो आराम से इनडायरेक्ट रूट से कनाडा जा रहा है, वहां पहुंच रहा है। सो वहां जाके भी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्या वे रहते हैं, क्या कॉस्ट रहती है, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका, क्योंकि इंडिया में मेडिकल अभी खुले नहीं, हो सकता है कि खुल जाए बहुत जल्दी, लेकिन उनका मेडिकल एक्सपायर होगा तो वीजा स्टैंप हो चुका है, मेडिकल के चक्कर में फिर से वेट करना पड़ेगा। वो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि फटाफट से पहुंच जाए मेडिकल एक्सपायर होने से पहले, तो उनके लिए काफी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली। तो प्रेजेंटली बात करें तो 2 से 3 रूट जो है वो बच्चे चूज कर रहे हैं। मेनली स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो 2 ही रूट है जो ज्यादा फेमस है, क्योंकि एक जो पहला रूट मैं बताता हूँ मैक्सिको वाला रूट है, उसमें ज्यादातर पीआर वाले या वर्क वाला वगैरह है वो जा रहे हैं। स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन स्टूडेंट उसको प्रेफर नहीं करे उस रूट को। सो स्टूडेंट प्रेफर रूट कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 रूट जो चल रहा है आपको भी पता होगा, कतर गया, कतर आप इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से टेस्ट करा के आप कनाडा जा रहे हैं। तो ये रूट सबसे ज्यादा फेमस है, इसकी बहुत डिमांड होगी, यही कारण है कुछ टाइम से इस रूट की जो फ्लाइट्स है वो भी थोड़ी कॉस्टली हो रही है। तो आप कतर एयरवेज से आप कतर जाते हैं, वहां से आपका थोड़े टाइम का स्टे होता है, फिर आप इथोपिया जाते हैं, वहां होटल बुक करते हैं, और राइट नाउ मार्केट में आपको पैकेज भी मिल रहे हैं। क्या कॉस्ट रह रही है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पैकेज भी मिल रहे हैं जिसमें आपको एयरपोर्ट से लेके जाना, होटल में स्टे करवाना, आपका कोविड का टेस्ट करवाना, फिर वापस एयरपोर्ट पे छोड़ना, सारा कुछ इंक्लूड है। और स्टूडेंट के लिए काफी फेमस रूट बन चुका है, रेगुलर बेस पे आपको फ्लाइट में स्टूडेंट मिलते हैं जो भी वहां जाने वाला होगा। तो यहाँ पे इस वे को आप ले सकते हैं, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो 1,50,000 के आसपास, एवरेज कॉस्ट में बता रहा हूँ, कई बार टिकट के ऊपर होता है, कई बार 160-170 भी चली जाती है, और कुछ बच्चों को 130 के आसपास, 140 के आसपास भी पड़ी है। तो कब टिकट बुक करें, कब प्लान है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो स्टूडेंट अभी जाना चाहते हैं, आप कतर एयरवेज के थ्रू बुकिंग करवा के इथोपिया होके आप वहां से जा सकते हैं। बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट वगैरह सारे साथ में रखना। दूसरा एक थोड़ा सस्ता रूट पड़ता है, वो भी बच्चे चूज कर रहे हैं, वो यहां से बच्चे जाते हैं क्योंकि आपके पास कनाडा का वीजा है, यहां से सर्बिया जाते हैं, वहां से टर्की जाते हैं, और टर्की से आगे बच्चे फ्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए। और बच्चों को इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, हालांकि टर्की में थोड़ी जो चेकिंग वगैरह वो काफी स्ट्रिक्ट रहती है अगर इथोपिया से कंपैरिजन करें तो, इसलिए बच्चे टर्की वाले रूट को भी आजकल नहीं ले रहे, इथोपिया वाले रूट भी ले रहे। अब दोनों में एवरेज कॉस्ट की जब बात करते हैं तो 1.5 लाख के आसपास कॉस्ट रहती है, कुछ बच्चे 1,80,000 भी देके गए, किसी का 2 लाख भी लगा होगा। अब क्या इतनी स्पेंडिंग जायज है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए, अगर तो 1.5 के आसपास उससे कम में आपका बजट बन रहा है सारा कुछ मिला के, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट काउंट करेंगे। नो डाउट एवरेज टाइम पे कनाडा की टिकट जो होती है, जब नॉर्मल टाइम चलता था, 50,000-60,000 की आराम से मिलती थी। अभी क्या है कि आपको पता है कि जो नॉर्मल डायरेक्ट फ्लाइट में बच्चे जाते हैं उनको भी कई बार 1-1 लाख, 1.25 लाख पे करना पड़ता है डायरेक्ट फ्लाइट का भी। तो अगर उस प्राइस को देखें तो ये 1.25 लाख, 1.5 लाख का देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका वीजा स्टैंप हो चुका है, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, जिन्होंने सितंबर में क्लासेस शुरू करनी है वो चाहते हैं कि वहां जाके ही पढ़े, क्योंकि ऑन कैंपस क्लासेस वहां शुरू होने वाली है। और कनाडा, क्योंकि जब तक हमारा क्या होता है कि वीजा लगाया इतना भी इनफ नहीं, जब तक हम कंट्री में पहुंच नहीं जाते हमारी टेंशन या पेरेंट्स की टेंशन खत्म नहीं होती। तो जो बच्चे इस रूट को लेना चाहते हैं अपना रिसर्च वर्क जरूर कर ले, काफी हद तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ली, कोई ज्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही। जो बच्चे ट्रैवल कर चुके हैं आपको ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म पर उनकी वीडियोज मिलेगी, आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ये रूट पे कैसा रहता है या क्या आपकी कोई क्वेरी होती है, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। जिसका अर्जेंट है वो ट्रैवल कर सकता है, स्पेशली जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले और वीजा उनके पास स्टैम हो चुका है, ऐसे बच्चों को ही मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये रूट लेना चाहते हैं। और अपडेट के लिए दोस्तों इसी चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फर्दर डिटेल के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9041090410। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।